दीदार नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या मगरिब ईशा पढ़ी और कज़ा नहीं सही पढ़ी, और हमने भी आज अभी यहाँ मगरिब पढ़ी फिर ईशा पढ़ी, मगरिब को सुन्नत अदा की, शहर को सुन्नत अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मीना में भी 5 नमाजें मिल गई, वरना बाद वक्त बाद लोगों को 4 मिली और आदमी को निकल गए। फिर हमने जो है वो बात का वकूफ़ भी अदा कर लिया। आज हम मुज़दलिफा का भी अपना हमारा जो वकूफ़ का टाइम है वो सुबह सादिक मेरे फजर का वजह शुरू होगा, सूरज के निकलने तक एक लम्हा भी जो यहाँ रुकेगा उसका वकूफ़ हो जाएगा, वाजिब अदा हो जाएगा। इससे पहले निकल गया तो उसका वाजिब तर्क हो जाएगा, उस पर दम वाजिब हो जाएगा। और ये रात बड़ी लैलतुल कदर से अफजल रात करार दी गई, ये रात लैलतुल कदर से अफजल रात, फजीलत वाली रात है, इसमें दुआएं कबूल ना। लेकिन फिर भी ये कि हाजी जो है वो यहाँ पर आकर जो आराम करते हैं, और यहाँ के आराम का मज़ा ही अलग है। आप सोएंगे ना थोड़ा सा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बॉस हो गया, इतना फ्रेश हो गया। अच्छा, हम आपको 3:30 बजे उठाएंगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर बावजूद यहीं बैठेंगे। जैसे ही टाइम इंटर होगा सुबह सादिक का, हम अव्वल वक्त में फजर की नमाज़ पढ़ेंगे बाजमात, और इंशाल्लाह तकबीर तशरीफ भी पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो लब्बैक पढ़ते हुए हम तकरिया मारने की तरफ जाएंगे। अच्छा, जब तकरिया मारने का वक्त आएगा ना तो लब्बैक ख़त्म, इसके बाद लब्बैक नहीं पढ़ना। कंकरियाँ मारने का तरीका क्या है कि आपने खजूर के बराबर की कंकरियाँ चुननी है, यहाँ से 49 कंकरियाँ चुननी है। पहले दिन 7 मारनी है, दूसरे दिन 21 मारनी है, तीसरे दिन 21 मारनी है। अभी तो हमें अभी तो सिर्फ बड़े को मारनी है, और 11 तारीख को जो है वो छोटे को 7 मारनी है, दरमियाने को 7 मारनी है, और फिर इसके बाद बड़े को 7 मारनी है। फिर 12वें दिन भी हमें जो है वो छोटे को 7 मारनी है, दरमियाने को 7 मारनी है, इसके बाद बड़े को 7 मारनी है, 21। ठीक है, इसका दिन जो होगा ना वो होगा सुबह सादिक। और 14 दिन 13वीं तारीख को क्या होगा कि अगर गुरूब आफ्ताब तक आप रुक गए तो फिर 13 की भी कंकरियाँ मारनी पड़ेगी, अगर गुरूब आफ्ताब से पहले निकल गए तो फिर 13 की कंकरियाँ। तो टोटल 49 कंकरियाँ लें, वो भी लें कम अज़ कम ज़्यादा ले लें 50 ले लें 60 लें। अच्छा, एक चीज़ ये कंकरी देखे मारने का आपको सही बताऊँ, बहुत से हादसे भी होते हैं, लोग जो पूरा नीला सर के करते हैं, ये देखिए ये जबरा है शैतान कबीर यानी।